नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू सीआईटी एनसीईआरटीज लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। मैं हूं तन्वी खुराना और क्लास टेंथ के सभी बच्चे हमारे साथ मैथ्स की इस क्लास में भाग ले सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स, जिसका भाग एक हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर्स से जुड़ा जो नंबर सिस्टम है वो आप सभी ने पिछली क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया है कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अब रियल नंबर्स रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये एक आम परिभाषा है रियल नंबर्स की। और रियल नंबर्स से जुड़े हैं बहुत सारे और नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और साथ ही साथ नेचुरल नंबर्स भी। पर हम हमारी एक्सपर्ट से जानेंगे कि इन सब में अंतर क्या है और रियल नंबर से जुड़ा ऐसा क्या है जो आप सभी को बहुत काम आएगा इस पूरी क्लास में। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए, चाहे तो फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800440559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cieet.nic.in। और अगर आप हमें इस वक्त देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर, तो उससे जुड़े भी आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो रियल नंबर्स भाग एक हमारा आज का विषय है। चलिए आपका परिचय करवाएंगे हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ हैं मिस सविता ग्राक। मैम, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू। थैंक यू तन्वी, एंड अ गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून टू यू टू मैम। मैम हैं अकेडमिक कोऑर्डिनेटर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं और मैम से जानते हैं रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मैम जी तन्वी, बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बताया कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, तो बिल्कुल सही बताया आपने। और हम डिस्कस करना शुरू करेंगे फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। बट फर्दर, रेशनल नंबर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जिनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स को। सो नेचुरल नंबर्स डेफिनेटली वो सभी नंबर्स, नेचुरल मीन्स रिलेटेड टू नेचर, जो नेचर से बिलोंग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पर जा रहे हैं, साइड में कितने ट्रीज हैं आप काउंट कर सकते हैं, कितने व्हीकल्स, कितने बाइक्स चल रहे हैं आप काउंट कर सकते हैं। सो ऑल द नंबर्स विच आर काउंटेबल आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स, और यू कैन सिंपली से इन मैथमेटिकल लैंग्वेज दैट ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1 lakh, then crores and up to means these are countless in number, so these are known as natural numbers. And if in the set of natural numbers, मान लीजिए natural numbers का एक बड़ा सा bag है, उस bag के अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे up to infinity सभी numbers exist कर रहे हैं, अगर हम उस bag के अंदर एक zero, we all know कि जीरो को जो रचा था वो आर्यभट्ट जी ने दिया था हमें, और जीरो को अगर हम ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट में, देन इट बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। ऑलराइट, हमें कई बार लगता है कि इसमें जीरो नंबर दिया था तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम थोड़ा सा इसको जानने की कहानी सुनते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब नेचर थी, कहीं पर कोई घर नहीं बने हुए थे, ह्यूमन बीइंग्स वर देयर, और बिगिनिंग में चारों तरफ नेचर ही नेचर है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पेड़ पौधे हैं, तो धीरे धीरे मैथमेटिकल की जो मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस आनी शुरू हुई, और ये देखा गया कि अच्छा, मैं जिस पाथ पर गया था, कोई दो लोग बात कर रहे होंगे, मैं जिस पाथ पर गया था मेरे रास्ते में दो नदियां आई थी, दूसरे पर्सन ने कहा मेरे रास्ते में तो 10 पेड़ थे या कुछ पेड़ थे, कुछ नदियां थी, फिर उनको लगा कि इनको कुछ काउंटिंग देने की ज़रूरत है। अब कुछ पेड़ थे काउंटलेस, कुछ नदियां थी कितनी थी नहीं पता, तो तब एग्जिस्टेंस आई होगी नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये सभी चीज़ें नेचर में हैं, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्हें हम नेचुरल नंबर्स का नेम दे देते हैं। बट उसके बाद मान लीजिए कि दो पर्सन फिर से बात कर रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को इस तरह से इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसे हमें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब एक मैं हूँ, एक कोई और पर्सन है, अभी कहाँ हैं हम, जहाँ पर चारों तरफ नेचर है, कोई घर नहीं बने हुए, नथिंग इज देयर,
और तब हम बात कर रहे हैं और एक पर्सन बोलता है कि जिस रास्ते से आज मैं गया और अपना खाना वगैरह ढूंढकर मैं जहां से लाया हूं, उस रास्ते में टोटल 4 नदियां आई। और दूसरा पर्सन ने कहा कि मेरे वाले रास्ते में एक भी नदी नहीं थी, एक भी नदी नहीं थी। नॉन एग्जिस्टेंस की जब बात आई होगी कि कोई चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस नॉन एग्जिस्टेंस को कैसे शो किया जाए? नॉन एग्जिस्टेंस के लिए भी कोई नंबर की जरूरत है। ऑल राइट, मान लो मैं कहती हूँ मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज है, तो दैट इज 10,000 इज अ नेचुरल नंबर, मुझे पता है। बट मेरे अकाउंट में एक भी नॉट इवन अ सिंगल पैनी इज देयर, तो वो नॉट इवन अ सिंगल पैनी नॉन एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए जो हमारे पास आविष्कार हुआ वो किसका? जीरो का। ऑल राइट, देन लेट अस कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स की अगर बात करेंगे, अभी हम नंबर लाइन अपने माइंड में, ब्रेन में एकदम से कॉपी कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, नंबर लाइन में आपको पता है जीरो इज देयर, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इन द सेम वे नेगेटिव नंबर्स आर देयर अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जब नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या है, वो सभी नंबर्स जो नेगेटिव में एग्जिस्ट करते हैं। अब नंबर्स नेगेटिव में नहीं होते, बट मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे अकाउंट में कोई भी पेनी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है, बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वहां पर एक मिनिमम अमाउंट रखना होता है, अगर मैंने नहीं रखा तो हम बोलते हैं ना मेरा अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है। ओके, तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि जब हमें अपोजिट नंबर्स को दिखाने की जरूरत पड़ी। अ प्लेन इज फ्लाइंग 100 किलोमीटर या 100 मीटर अबव अ लेक, तो उसकी जो शेडो है वो बिलो द लेक लेक के अंदर दिखाई दे रही है, बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर हमें वो 100 मीटर अंदर दिखाई दे रही है। तो ये अपोजिशन को शो करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, एंड दीज नंबर्स आर इंक्लूडिंग द नेचुरल, इंक्लूडिंग द होल्स, नॉन एज इंटीजर्स। दैट मीन्स इंटीजर्स में हम सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स और जीरो को इंक्लूड करते हैं। दीज आर -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड होल नंबर जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। दैट मीन्स सभी होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी ले लेना। देन लेट अस टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर बेसिकली द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जैसे कि अभी आपको बताया गया, तन्वी मैम ने आपको बताया कि वो सभी नंबर्स के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो रेशनल नंबर्स आप जानते हैं कि वो सभी नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, एंड डेफिनेटली द डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, दीज नंबर्स आर नॉन एज रेशनल नंबर्स। ऑल राइट, सो इफ आई एम राइटिंग 5/6, दिस इज रेशनल। इफ आई एम राइटिंग 1.5, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म एज इट इज 15/10, दैट्स वाई दिस इज अगेन अ रेशनल नंबर। इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक √36 डिवाइडेड बाई √4, दैट इज डेफिनेटली 6/2, दैट इज डेफिनेटली 3, एंड दैट इज डेफिनेटली 3/1, सो इट इज अगेन अ रेशनल नंबर। ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉन एज रेशनल नंबर्स, और अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव सभी इंटीजर्स को ले लेते हैं तो वो काउंट होते हैं रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। यानी ये सभी सेट, एक बैग था नेचुरल नंबर्स का, उसमें जीरो ऐड किया तो होल नंबर्स बन गए, उस होल नंबर्स के बैग में जब नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो इंटीजर्स बन गए, और इंटीजर्स में जब हमने फ्रैक्शनल नंबर्स ऐड कर दिए इंक्लूडिंग पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो रेशनल नंबर्स बन गए। ओके, एग्रेड। लेकिन अभी भी इस पूरे सेट को आप रियल नंबर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ऐसा नहीं बोल सकते। क्लास 9th में भी आपने सीखा है हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट √5 और √2 ऑन अ नंबर लाइन, और वेरियस इरेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपने सीखा है। सो यहाँ पर भी जो नंबर लाइन आप देख सकते हैं, इन दिस नंबर लाइन हमारे पास 0 से 1, इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छे से हम सुनेंगे, 0 से 1 इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। 0 से 1 के बीच में 1/2 आता है, 1/3 आता है, 1/4 आता है, इसी तरह से ये रेशनल नंबर्स आते हैं,
बहुत सारे रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक उसी तरह से बहुत सारे इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज अ डीप थ्योरी, और इरेशनल नंबर्स जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं विच आर नॉट रेशनल आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स, लाइक अंडर रूट 2, रूट 31, नेगेटिव रूट 2 एंड नेगेटिव रूट 6। सो दीज ऑल आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स। लेकिन अगर मैं कोई नंबर इस तरह से मेंशन करती हूँ रूट नेगेटिव 2, इज दिस इरेशनल? सो यू कैन थिंक ओवर इट, बट लेट मी टेल दैट दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। जब भी अंडर रूट के नीचे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है दैट बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर, एंड एज आई से इमेजिनरी सो इमीडिएटली आप रियल नंबर्स के सेट से बाहर हो गए। इसीलिए हमने रूट नेगेटिव 2 को इस पूरे चार्ट से बाहर लिखा है। ओके, सो ऐसा नंबर क्या है? दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। एंड इन योर नेक्स्ट क्लास यू विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट रियल प्लस इमेजिनरी, दोज नंबर्स विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो धीरे धीरे आपकी नंबर थ्योरी बढ़ रही है। जब आप क्लास 6 में थे आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इन क्लासेस 7 एंड 8 आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इन 8th क्लास रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, 9th में रेशनल एंड इरेशनल्स को आपने जाना, और अभी रियल नंबर्स या कोई भी इरेशनल नंबर इरेशनल क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सो चलते हैं आगे। हमने डिस्कस किया कि रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। एंड इन योर प्रीवियस क्लासेस यू आल्सो हैव स्टडीड अबाउट इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। एक बार हम इन नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन फॉर यू ऑल एज यू एंटर योर क्लास 10th। सो 2024-25 में एंटर करने वाले सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले आई वुड लाइक के कॉन्ग्रेचुलेट करूं दैट यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग फॉर अ न्यू क्लास, फॉर अ क्लास 10th, एंड विद अ न्यू चार्म यू ऑल मस्ट स्टार्ट स्टडिंग। सो बढ़ते हैं आगे। इवन नंबर्स, वो सभी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नॉन एज इवन नंबर्स, ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नॉन एज ओड नंबर्स। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड दीज 2 फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मैम, वुड यू लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स ऑड नंबर के भी और प्राइम नंबर्स के भी? डेफिनेटली तन्वी, तो हम डिस्कस करते हैं, एक ही एग्जांपल लेते हैं हम वन बाय वन। इफ आई एम राइटिंग अ नंबर हियर लेट इट बी 4,532, so in this number can we see that the one space digit is 2? Right. So definitely all the numbers whose one space digit is even are divisible by 2, so those all will also be even numbers. Yani wo sabhi numbers jo 2 se divisible hote hain wo even hote hain. Aap koi chota number le lijiye, if you are dividing 16 by 2 you will find that the remainder here is 0. तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तभी आप बोलेंगे कि यस दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इफ आई एम टेकिंग अनदर नंबर 15 एंड ट्राइंग टू डिवाइड द सेम नंबर बाय 2, व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग दैट द रिमाइंडर इज 1 ओवर हियर। सो इफ द रिमाइंडर इज 1 दैट मीन्स दिस इज एन ओड नंबर नॉट इवन। ठीक इसी तरह से वो सभी नंबर्स जिनका वंस प्लेस डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते, दैट्स वाई वो सभी नंबर्स ओड होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और प्राइम नंबर्स का भी हम एक एग्जाम्पल जरूर देखते हैं। इफ आई एम राइटिंग अ नंबर 7, सो 7 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल पर नहीं आता, 1 के टेबल से डिविजिबल है, 3 के टेबल पर भी नहीं आता, 4 से भी आप इसे पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 जब बचेगा ओनली देन वी विल से दैट यस दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। लेट मी रिपीट कि ऐसे सभी नंबर्स जो सिर्फ 1 और अपने ही टेबल पर आते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2,
One more thing is very interesting about this number. It is the smallest prime number, and the second thing is it is the only even prime number. Only even prime number is 2. बाकी सभी प्राइम नंबर्स ओड ही होते हैं. हम एग्जांपल देख सकते हैं. 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल पर भी आता है और 2 के टेबल पर भी आता है. नेक्स्ट नंबर इज 3. दैट इज ऑल्सो प्राइम, लेकिन वो इवन नहीं है. नेक्स्ट नंबर इज 4. 4 अब इवन है, लेकिन वो 2 के टेबल पर भी डिविजिबल है. तो कोई भी इवन नंबर अदर देन 2 ऐसा नहीं हो सकता जो प्राइम हो. और प्राइम के जो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर्स, वो उसके भी आगे ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. ओके, कंपोजिट नंबर्स आर दोस जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. मतलब जो नंबर्स 2 से ज्यादा टेबल्स पर डिविजिबल होते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ आई एम राइटिंग अ नंबर 18, सो दैट इज कंपोजिट, क्योंकि वो 1 के टेबल पर भी डिविजिबल है, 2 के टेबल पर, देन 3 के टेबल पर, 6 के टेबल और 18 इटसेल्फ, इन सभी टेबल्स पर 18 आता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है. दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. फोर प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, एंड व्हाट दिस थिंग इज. द थिंग इज, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर्स इवन होते हैं, कुछ नंबर्स ओड होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्राइम होते हैं, कुछ कंपोजिट होते हैं. बट एक नंबर ऐसा होता है विच इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, और ये नंबर कौन सा होता है? दिस नंबर इज नॉन एज 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स भी नहीं होते. 1 अपने ही टेबल पर आता है और किसी भी नेचुरल नंबर के टेबल पर 1 नहीं आता, और ये कंपोजिट भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके 2 फैक्टर भी नहीं है, 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है. सो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट. सो लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. एंड बिफोर दैट देयर इज अ चार्ट व्हिच इज शोइंग अस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पूरा सेट, पूरा चार्ट जो अभी आपके साथ डिस्कस किया, इसे चार्ट के थ्रू हमने यहाँ पर शो किया है. नेचुरल नंबर्स काउंटेड इन टू होल नंबर्स, देन इंटीजर्स जिनके अंदर सभी होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कंप्लीट आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स में ऑल द इंटीजर्स, ऑल द होल्स, ऑल द रेशनल नेचुरल नंबर्स, प्लस वो सभी नंबर्स जिन्हें आप पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो. कंडीशन इज क्यू जीरो नहीं होना चाहिए एंड पी एंड क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. देन रियल नंबर्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल और इमेजिनरी नंबर्स की स्टडी और जब आप करेंगे तो दैट विल बी नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द नंबर थ्योरी. सभी नंबर्स जो है वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं. फंडामेंटल थ्योरम, दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत छोटी क्लास से, अगर मैं कहूँ कि 5th और क्लास 6th से, आपको अगर किसी टीचर ने क्वेश्चन दिया है कि फैक्टराइज 36, तो क्लास 6 से आपको पता है 36 के फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं. कैसे करने हैं? 2, 18, then it is again divisible by 2. 2 times 9 is 18, then it is divisible by 3. 3 times 3 is 9, then it is divisible by 3 again, and finally you reach to 1. So what you can write as prime factorization of 36, you can write it as 2 into 2 into 3 into 3. Okay? Yani ki humne kya kiya? 36 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए. तो ये काम आपको करना आता है, लेकिन आज आपको ये पता चल रहा है कि इस थ्योरम को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. किस थ्योरम को? एक बार डेप्थ में देखते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. ये आपको पता है 36 एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिट नंबर है और इसे आपने लिखा है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. This factorization is unique. Next thing is, ये factorization जो है unique होती है. Unique का मतलब क्या है? एक example देख लेते हैं. मान लीजिए किसी teacher ने question दिया अपने student को कि factorize 13, और वो student करता है 2, 2 times 16 is 36. Here I have written 2 times 18 is 36. Here I am writing 2 times 16 is 36. Then I am writing again 2, 8, again 2, then 4, then I am writing 2, 2. So that child is writing 36 equals 5 times
the product of the number 2. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So is he right? No. Actually, no, he is not right because he has committed a mistake here. In place of 16, here should be a number which is 18. 18. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टराइजेशन जो है तन्वी यूनिक होती है. ओके. अगर किसी भी बच्चे का आंसर अलग आ रहा है यानी कि ही इज रॉन्ग समवेयर. हम देखते हैं ना क्लास में 40 स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया और जब 30 स्टूडेंट्स का आंसर मैच करता है तो उन सबको अपने आप ही इंश्योरेंस हो जाता है कि यस मेरा क्वेश्चन तो ठीक है. बाकी के जो 5, 6, 7, 10 स्टूडेंट्स है वो सोचते हैं कहीं तो मिस्टेक है, वो सर्च करते हैं. तो ये क्या है, फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होती है. ओनली वन थिंग कैन बी डिफरेंट. What that is the order of these prime factors. यानी अगर किसी बच्चे को ये क्लिक नहीं करता कि 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बल्कि उसे क्लिक करता है फटाफट से that 3 times 12 is 36 and then 2 times 6 is 36 is 12, 2 times 3 is 6, means if another child is writing 36 equals 3 into 2 into 2 into 3. So what is now happening, this answer was correct and this answer is also correct. तो क्या हुआ, prime factors same है, 2 times 2 and 2 times 3. सिर्फ क्या हुआ है, उनका order जो है, place जो है, वो change हो सकता है. तो इस theorem को बोलते हैं, dear students, fundamental theorem of arithmetic and this is very important. आपके exam में sometimes question direct पूछा जा सकता है, define fundamental theorem of arithmetic. Also find the HCF of any two number. इस तरह से आपको भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बढ़ते हैं आगे फंडामेंटल थ्योरम से ही रिलेटेड. What the question is here? Explain करना है हमें why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 this is a composite number. ऐसा क्यों होता है कि ये नंबर जो है वो कंपोजिट है. ओके okay? अभी आपको लग रहा होगा कि टीचर जस्ट टोल्ड अस कि 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, क्योंकि इन सभी के दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. लेकिन ये जो बीच में प्लस का साइन आ रहा है और ये सभी मल्टीप्लीकेशन के साइन आ रहे हैं, अकेला 7, 11, 13 अकेले अकेले ये सभी प्राइम हैं. बट ड्यू टू दीज ऑपरेशंस चेंज हो रहा है और ये जो अवेलेबल नंबर है वो आपका कंपोजिट नंबर है. इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, क्लियरली आपकी स्क्रीन पर टू टर्म्स विजिबल हैं. दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस कंप्लीट इज द फर्स्ट टर्म. जहां से भी प्लस या माइनस का साइन स्टार्ट होता है डेफिनेटली वहां से आपकी नेक्स्ट टर्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है. अब इन दोनों ही टर्म्स में वन नंबर इज देयर विच कैन बी टेकन कॉमन. तो आपने 13 को कॉमन लिया और जैसे ही आपने 13 को कॉमन लिया तो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म से 13 बाहर जाने पर 7 into 11 will be there and from second term 1 right, only 1 will be there. So what is happening now, this is 13 multiplied by something. और अभी जस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम अनदर नंबर की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो कंपोजिट ही होता है. तो लेट अस डिस्कस इट हियर एज वेल. इट इज 13 जैसे ही आपने कॉमन लिया सो इट इज 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1. डियर स्टूडेंट्स आप इस नंबर को एज सच भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे 13 मल्टीप्लाइड बाय 78 भी लिख सकते हैं. मतलब हमने मैम ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया. जी बिल्कुल. सो दैट इज 77 प्लस 1 और अभी जो नंबर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर. तो जब कोई नंबर दो या दो से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है डेफिनेटली दैट इज कंपोजिट. ओके, जैसा कि तन्वी आपने बताया कि ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है. अगर मैं कोई और नंबर अपने व्यूअर्स को देती हूँ, लेट मी आस्क देम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 19, ओके और भी ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 11. दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म. दोनों टर्म से हम कॉमन ले पा रहे हैं 11 को. फर्स्ट टर्म इज हैविंग नाउ दीज फोर एलिमेंट्स देयर प्लस 1. देयर इज नो नीड कि हमारा बच्चा ये सभी नंबर्स को प्रोडक्ट करे, मल्टीप्लाई करे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
जरूरत ही नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि 11 वो इस कंप्लीट में से कॉमन ले चुका है, तो यहां से ही समझ आ जाता है कि दो से ज्यादा फैक्टर हैं, और ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एटलीस्ट वन। और जो भी इस नंबर को सॉल्व करके आना है, जरूरत नहीं है सॉल्व करके देखें, लिख सकते हैं इट सेल्फ, द नंबर इट सेल्फ 11 एंड दिस कंप्लीट नंबर। सो इस नंबर के पास और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो 78 के पास और भी फैक्टर्स हैं, बट इट इज क्लियर दैट द गिवन नंबर हैज एटलीस्ट फोर फैक्टर्स। सो दो से तो ज्यादा ही है ना, अब वो 4 है या 10 है कोई जरूरत नहीं है आप सभी कैलकुलेट करें, आप सिंपली लिख सकते हैं सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर दीज, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके मैम, वी डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट, तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क की तरह देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई करके जरूर सॉल्व करें, और यहाँ पर एक नंबर है 6 रेज़ टू द पावर n, इसके फैक्टर्स में लिख देती हूँ, और बच्चों को सोचना है कि कैन दिस नंबर एंड विद द डिजिट 0 और नॉट, तो अप्लाई करेंगे थ्योरम और वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। नाउ लेट अस सी फॉरवर्ड, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर आवर व्यूअर्स फॉर देयर न्यू सेशन एज दे हैव टर्न्ड इन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th नाउ। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर विशेज टू द स्टूडेंट्स, एंड मुझे लगता है जो आपने हिंट दिया उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को ईजी भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, तो उनके होमवर्क हम तक ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए, और आप हमने जो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एक बार फिर से। थैंक यू तरवी, थैंक्स। थैंक यू सभी दर्शकों का भी, हमें उम्मीद है कि आपको मैथ्स की एक क्लास जहां हमने रियल नंबर्स समझे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम ये अपना मैथ्स का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, पर थोड़ी देर में सोशल साइंस का एक कार्यक्रम लेके आप सभी के सामने हाजिर होंगे, और जिस विषय पर बातचीत होगी वो होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ई विद्या चैनल्स देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर बेस्ड प्रोग्राम्स आप सभी के लिए हम लाने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए, मैं हूँ तन्वी खुराना, आप सभी से मांगूंगी इजाज़त। नमस्कार।